दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंचते ही पाकिस्तान टीम को मिला एक साथ तीन तीन बड़ा खुशखबरी, जिस खुशखबरी को सुन पाकिस्तान का फैंस हुआ खुश। तो क्या कुछ खबर की जानकारी, कैसा तीन खुशखबरी मिला है पाकिस्तान टीम को, बताइए पूरा खबर की जानकारी आपको इस वीडियो में। उससे पहले आप लोग भी है पाकिस्तान टीम का एक जबरा फैन तो वीडियो को दिल से लाइक कर, चैनल को दिल से सब्सक्राइब कर। दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, आपको तो पता होगा यहाँ पर टीम पाकिस्तान अभी अमेरिका पहुंच चुका है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4 बजे का T20 सीरीज खेल रहा था टीम पाकिस्तान, और अभी ये यहाँ पर अमेरिका पहुंच चुका है यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप के लिए। दोस्तों आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिका पहुंचते ही यहाँ पर टीम पाकिस्तान का पाकिस्तान को दबा के स्वागत किया गया था एयरपोर्ट पर, जिसके बाद अभी हाल ही में ही यहाँ पर वो T20 वर्ल्ड कप में यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस US का फास्ट मैच खेला जाएगा। दोस्तों लेकिन इस पाकिस्तान और US के बीच फास्ट मैच से पहले यहाँ पर पाकिस्तान टीम को एक साथ तीन तीन बड़ा खुशखबरी मिला है जो आप लोगों को बता देते हैं। पहली नंबर जो खुशखबरी है वो है आजम खान को लेके। आपको तो पता होगा इंग्लैंड टीम के खिलाफ आजम खान कुछ खास प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखा था, लेकिन हाल ही में ही यहाँ पर अमेरिका पहुँचते ही आजम खान का बल्ले से आग उगल रहा है। यहाँ पर प्रैक्टिस मैच में चौका छक्का का कर रहा है बारिश और अपना बल्ले से मचा रहा है हल्ला, जिसको देख के US का सभी गेंदबाज थर-थर कांप रहा है। दो नंबर जो खुशखबरी है मोहम्मद हारिस को लेके है। दोस्तों मोहम्मद हारिस 307 डिग्री का एक बेहतरीन बल्लेबाज है। PCB ने रातों रात इस खिलाड़ी को यहाँ पर अमेरिका भेज दिया है बैकअप का रूप पर। दोस्तों अभी तीन नंबर में जो खुशखबरी है ओपनिंग जोड़ी को, पाकिस्तान टीम ओपनिंग जोड़ी को लेके यहाँ पर बहुत ही जो वॉल चलता है। इस बार ओपनिंग जोड़ी का रूप पर खुद बाबर आजम ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैसला ले चुका है। दोस्तों ओपनिंग जोड़ी में यहाँ पर फखर जमा को यहाँ पर ले लिया है। ये है तीन खुशखबरी जो पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप 2024 US के खिलाफ पहला मुकाबला से पहले मिला है। तो आप लोगों की क्या राय है इस तीन खुशखबरी को लेके, अपना राय जरूर बताएं। आगे भी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपकी बहुमूल्य समय देने के लिए।